2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है, जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हों, चाहे भू माफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हों, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हों, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती।